नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस चेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सी एच एस एल 2018 की टाइपिंग के ऊपर कि अभी जो टाइपिंग होने वाला है तो कई डाउट्स थे आपके ग्रुप में, आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। और जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी कल परसों में, आपने उसमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे और बहुत क्वेश्चंस जो थे बहुत कॉमन थे, यानी अधिकतर बच्चों के मन में वो क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो का आप देखिएगा पूरा, कई डाउट्स हैं। जैसे कि आपका जैसे सर्टिफिकेट के ऊपर है कि आपका कब का होना चाहिए OBC या EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है, DV साथ में होगा या नहीं होगा, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब ये डाउट हो रहा है मन में। उसके बाद कि कितने टाइप करें, 1750 की डिप्रेशन टाइप करें या पूरा जो 2000 या 2200 जितने ही मिले वो टाइप करें। उसके बाद मिस्टेक, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक में भी लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो सब कुछ इसमें बात करते हैं, ठीक है। और एक एक बड़ा डाउट, बहुत एक मेजर सा डाउट ये है कि अगर कोई लाइन छूट जाती है तो उसका उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। मतलब क्या अगर हमारे एक एक लाइन छूट जाता है, हम बाद में टाइपिंग कर ले पूरा, तो क्या हम सिलेक्शन ले लेंगे, इसके ऊपर भी पूरा मैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो आप ये देखिए कि जो CHSL 2017 का जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें बाकायदा बताया था कि मिस्टेक कितनी आप कर सकते हो। तो आप एक बार मिस्टेक देख लीजिए, और इसमें ये नहीं है कि हर बार ये बदलती रहती है, कम होती रहती है, ये यही रहती है, इतनी ही रहेगी। अगर कुछ चेंज होता है वो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हो सकता है EWS के लिए चेंज हो जाए, EWS नई कैटेगरी आई है, तो हो सकता है उसको 7% की जगह उसको 10% में डाल दें, क्योंकि 7% में केवल UR है, बाकी सारी कैटेगरी जो है वो 10% में है। तो EWS वालों को ये हो सकता है, ठीक है। अभी वो एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें बाकायदा हम लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जब वो आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कितना होना चाहिए। तो अगर हम LDC की टाइपिंग की बात करें, जो बाकी अदर पोस्टेस हैं जो LDC है या PA SA है, तो उसमें सिंपल सा है, UR के लिए 7% एरर है और बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबके लिए 10% एरर है, ठीक है। मतलब इतनी एरर आप करेंगे तो आपको छूट है, आप तब भी पास हो जाएंगे। और वही अगर DO की बात करें तो DO में UR के लिए 5% है, बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके लिए 7% है DO के लिए, ठीक है। और DO की टाइपिंग अच्छी भी होती है, लेकिन जो आपकी जो कैग वाली है, अदर देन कैग में स्पीड कम भी है, ठीक है, दोनों उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात समझिए, ये 7% 10% का मतलब क्या है। देखिए, टोटल आपको टाइप जो करना है वो 1750 ही करना है, समझिए। क्योंकि देखिए, स्पीड जो मांगी गई है वो आपसे मांगी गई है 35 की स्पीड, आपसे 40 की स्पीड नहीं मांगी गई है। वो पिछली बार उन्होंने ज़्यादा दे दिया था, लेकिन हर साल ऐसा नहीं देते थे। तो आप 1750 को समझिए, अगर 1750 आपको की डिप्रेशन टाइप करना है और UR में आपको 7% का आपको मतलब छूट मिल रही है, अगर 7% आपने एरर करी है तो समझ जाइए। तो 7% का मतलब 7 गलतियां नहीं है, परसेंटेज का मतलब है कि 1750 का 7% मतलब 122.5 कैरेक्टर्स। मतलब आप इतनी गलतियां करेंगे तब भी आप मतलब पास हो सकते हैं। तो 122.5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो यानी 1627.5 कैरेक्टर्स आते हैं, और अगर अप्रॉक्स स्पीड की बात करें तो लगभग 32.5 के करीब बैठती है। यानी अगर आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% सही है और अभी अगर आपकी स्पीड 32 की भी आ रही है, यानी अगर आप 1600 भी टाइप करते हैं या 1628 अभी भी टाइप कर रहे हैं, तो भी आपके बहुत चांसेस हैं कि आप आराम से क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, अगर आप गलतियां नहीं करते हैं तो, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो OBC में देखिए, OBC SC ST जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं, 1750 है, 10% तक की हमें इसमें जो छूट मिल रही है। तो अब समझिए, 175 तक का आपको मतलब यहाँ पर आप 175 जो कैरेक्टर्स हैं इतनी गलतियाँ कर सकते हैं। तो 175 गलतियाँ अगर करेंगे तो 1575 यानी 1575 की डिप्रेशन जो है अगर आप टाइप करते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, यानी 31.5 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड आती है तो भी आप टाइपिंग जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि आपको पूरे टाइप करना है कि नहीं, आपको केवल 1750 पे फोकस करना है कि आपका 1750 तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है आप आगे चले जाइए, टाइपिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 1750 हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप 1700 तक ही पहुंच पाते हैं, आप जैसे 1650 तक पहुंच पाते हैं या 1675 तक पहुंच पाते हैं, फिर भी आपकी टाइपिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इस चीज़ को लेकर आप माइंड में बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा कि मेरी टाइपिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कुछ कुछ जो आपके डाउट्स हैं उनको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, फिर बाकी भी जो स्लाइड्स हैं उनको दिखाता हूँ मैं।
तो सबसे पहले एक ये भी डाउट था कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो जब आप एरर सही करेंगे तो आप बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, उस वक्त माउस भी होगा वो भी सही, आप उसको भी यूज़ करके आप एरर सही कर सकते हैं। पहले आपको पैसेस कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी आपको एरर सही करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। कितनी गलती कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 32.5 जो वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड, अगर मतलब 122.5 कैरेक्टर गलती आप यूआर में कर सकते हैं, और अगर ओबीसी एससी एसटी सबकी बात करें तो आप 175 कैरेक्टर्स की गलती कर सकते हैं। 7% का मतलब कतई भी ऐसा नहीं है कि 7 है, और या 10% का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 10 गलतियां हैं, ठीक है। वो गलतियां, वो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो वर्ड्स 12 12 कैरेक्टर्स के हों, ठीक है, और वो हो सकता है दो दो कैरेक्टर से भी गलती हो सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब है टोटल, परसेंट मतलब टोटल कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस का अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि 7% रहेगा कि 10% रहेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में तो उनको नहीं मिला है कोई मतलब बेनिफिट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर को छोड़ के सारे कैटेगरी से 10% है, तो हो मतलब चांसेस ये हैं कि ईडब्ल्यूएस के भी 10% का हो जाए। अब वो जब आएगा नोटिस तो हमें क्लियर होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है चांसेस हैं कि 10% ही होगा उसका। अब हम बात करते हैं कि देखिए मिस्टेक कौन कौन सी होती है, फुल मिस्टेक कौन सी होती है, हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, इसको एक बार माइंड में समझ लीजिए, ठीक है। अधिकतर आप गलती करते हैं जो फुल मिस्टेक वाले ही करते हैं। हाफ मिस्टेक अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो बहुत, जो जिनकी स्पीड अच्छी है उनसे हाफ मिस्टेक वाली गलतियाँ हो सकती हैं, और अगर इसमें लाइन मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट आप समझिएगा। तो सबसे पहली बात फुल मिस्टेक आप समझिए, एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड, मतलब अगर कभी भी एक भी कोई वर्ड छूट जा रहा है, कुछ भी हो सकता है लाइन, अगर आप जैसे मान लीजिए एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड है, तो इसमें मान लीजिए अगर मैंने ऑफ छोड़ दिया या अ छोड़ दिया, वर्ड छोड़ दिया, तो ये मेरा फुल मिस्टेक में आएगा, यानी जितने कैरेक्टर्स हैं वो पूरे मेरे मिस्टेक्स में आएंगे। मतलब अगर मैंने वर्ड मान लो लिखना छोड़ दिया तो वो पूरे 4 कैरेक्टर्स मेरे मिस्टेक में आएंगे। इस हिसाब से मैंने बताया कितने कैरेक्टर्स यू आर के लिए 122 कैरेक्टर, और बाकी कैटेगरीज के लिए 175 कैरेक्टर एल डी सी जे जो आपकी जो दूसरी पोस्ट है डी ओ को छोड़ के उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है एवरेज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, अगर आप कोई भी रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मतलब कोई भी वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, या कोई भी जो फिगर है मतलब कोई भी हो सकता है कैरेक्टर्स, अगर आप उसको वहाँ पे कुछ दूसरा यूज़ कर लेते हैं तो भी आपकी ये फुल मिस्टेक में आएगी। मतलब ये भी इसमें भी आपके जितने आपने गलत किया है वो पूरा आपके एरर में आएगी, अगर आपने 4 कोई एक्स्ट्रा ले लिया तो उसमें, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो लिखना था, जैसे मान लीजिए मुझे रॉन्ग लिखना था, रॉन्ग की जगह मैंने राइट लिख दिया, कुछ और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने उस वर्ड को, उस वर्ड की जगह मैंने कुछ और वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने हैज़ की जगह हैड लिख दिया, तो यहाँ पे पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये उसमें भी आ सकता है कि जैसे कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसमें भी आ सकता है। अब समझिए सी वाला जो है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, मतलब जब भी हम कोई एडिशन कर देना है वर्ड को, जैसे एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड है, ठीक है, वर्ड के बाद मैंने मान लो मीनिंग भी लिख दिया कि एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड मीनिंग, तो अब ये मीनिंग जो वर्ड है ये इसमें पूरे लाइन में नहीं है, तो मीनिंग मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये भी फुल मिस्टेक में आएगा, यानी मीनिंग में जितने कैरेक्टर्स आएंगे वो सब मेरे फुल मिस्टेक में आएंगे, ठीक है। तो अब समझिए जो हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, हाफ मिस्टेक में पहली मिस्टेक जो है मिस स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि आप कुछ भी लिख रहे हैं और आपने थोड़ा सा जो स्पेलिंग थी वो मिस्टेक कर दी है, तो इस वजह से मतलब आप इन तरीके का यू जब भी एरर करोगे तो वो हाफ मिस्टेक में आएगी। रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भी आप नाम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए कैपिटल था, जैसे कभी भी फुल स्टॉप के बाद आप कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपने स्मॉल लेटर यूज़ कर लिया तो भी वो आपकी हाफ मिस्टेक में जो है वो आएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं वो हाफ मिस्टेक में आती हैं, और फुल मिस्टेक आपने देख लिया है। तो आप इस तरीके के जो एरर करेंगे इसको टोटल काउंट करते हैं, टोटल काउंट करने के बाद ही जो है आपकी वो मिस्टेक में काउंट होती है, और फिर आप जब वो उसको माइनस करते हैं फिर देखा जाता है कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। तो आप जो अगर अदर कैटेगरी में है तो 175 तक कैरेक्टर्स तक आप गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन आप यूआर में है तो केवल 162 जो है लगभग 122 कैरेक्टर्स तक आप जो है वो गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो डाउट रह रहा था कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ये कब तक का होना चाहिए, जो इसकी जो क्रूशल डेट है वो कब तक की होनी चाहिए। तो देखिए ओबीसी का जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि द क्रूशल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 5/4/2019 से पहले का होना चाहिए था आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला जो आपका होता है तो उसमें हर जो एक डेट होती है कि इतने डेट के बाद आपकी हो सकता है सैलरी
बढ़ गई हो या आप उस 8 लाख के क्राइटेरिया को पार कर जा रहे हैं, इसलिए हर टाइम पे डेट बाई डेट इसका चेंज होता रहता है। तो इसलिए 5/4/2019 से पहले का होना चाहिए, जो ये क्रूशल डेट थी आपकी। और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके 1 अगस्त 2019 से पहले का होने चाहिए थे, मेरे ख्याल से यही डेट थी। आप फिर भी एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अच्छा, EWS की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जब ये पूरा नोटिफिकेशन जब आया था तो उस वक्त बहुत से स्टेट में EWS का काम नहीं चल रहा था और नोटिफिकेशन में भी पूरा क्लियर नहीं कहा गया था। तो अगर EWS के आपका सर्टिफिकेट बाद में भी बना है तो वो भी चल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कोई भी नोटिस में इस बारे में EWS के सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया गया था कि इस डेट का पहले का होना चाहिए। अगर आपके अप्रैल का पहले का बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाद का भी बनाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप जाइएगा, क्योंकि EWS में बहुत से स्टेट में EWS उस वक्त लागू नहीं हो पाया था और नहीं बन रहा था, तो बहुत बाद में बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जरा बात करते हैं कि देखो, स्पीड जो है वो कितने कितनी मांगते हैं हर हर में। बहुत लोगों को स्पीड से भी अभी दिक्कत हो रही है कि मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कैग के लिए है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात है 15,000 की डिप्रेशन पर आर, ठीक है, लेकिन 15 मिनट की टाइपिंग है। तो अगर हम 15,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में आप टाइप करते हैं, थोड़ा सा रेशियो भी अब यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा आपका। 15,000 है 1 घंटे में, यानी 15 मिनट में आप कितना टाइप करेंगे, 3,750। ठीक है, अब 3,750 कर रहे हैं आप 15 मिनट में, इतने की डिप्रेशन टाइप कर रहे हैं। तो अगर हम स्पीड निकालेंगे तो देखो, 5 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मानते हैं। ठीक है, तो जब 3,750 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 15 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल हम 75 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड आती है वो 50 वर्ड पर मिनट की आती है। यानी DO के लिए जो आपकी स्पीड है कैग में वो 50 वर्ड पर मिनट की है। डेटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन कैग जो है उसमें 8,000 की डिप्रेशन है। तो अगर हम फिर से हम चार अगर 15 मिनट की बात करें तो 2,000 की डिप्रेशन लगभग 15 मिनट में। ठीक है, और 5 कैरेक्टर्स का एक वर्ड होता है, यानी अगर हम 2,000 को 75 से डिवाइड करें तो लगभग 26.67 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आती है। इन डेटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन कैग की जो पोस्ट है, वैसे पोस्ट बहुत कम है, लेकिन जो स्पीड है वो 26-27 की मांगी है और काफ़ी आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं LDC और जो GSA और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उसमें सिंपल सा, उसमें वैसे ही लिखा हुआ है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, आपको 10 मिनट दे रखा होता है, और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए मतलब 15, मतलब कैटेगरी मतलब जैसे VH कैंडिडेट जो है उनके लिए 15 मिनट, बाकी सबके लिए जो है 10 ही मिनट का ही टाइम है। 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, अगर हम इसको बात करें वैसे अगर पर आर की बात करें तो 10,500 है, 10,500 को फिर से आप 6 से डिवाइड करिए क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट की टाइपिंग है, तो 6 से डिवाइड करिए, उसके बाद आप 50 से डिवाइड करिए तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाएगी। और ऐसी 9,000 की डिप्रेशन है, इसको आप यहाँ से करेंगे तो 10 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे से स्पीड आ जाएगी। तो ये आपको सिंपल सा है। अब समझिए कि DV साथ में होगा कि बाद में होगा, तो ये लास्ट ईयर का है, ये 2017 का जो नोटिस आया था मतलब एडमिट कार्ड के साथ, ये मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, 2017 वाला। तो इसमें देखिए आपको साफ साफ लिखा था हमारा कि उसी वक्त ही DV होगा, तो ये उस वक्त बोला गया था। अभी देखो, अभी जैसे ER वालों का एडमिट कार्ड आ रहा था तो उसमें नहीं बताया गया है कि DV साथ में होगा, उन्होंने केवल टाइपिंग के लिए बोला है। वरना देखिए, हमारे में बकायदा कहा गया था, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल, मतलब सारे ओरिजिनल मांगे थे, उसके साथ फोटोस्टेट भी मांगी थी, और सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मांगे गए थे। तो हमारा जो था उसी के साथ ही हुआ था, और हम CR रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बार जो है ER रीजन में नहीं मांगा गया है, तो हो सकता है बाद में करें, ये चांसेस हैं कि बाद में हो, लेकिन पिछली बार साथ में हुआ था। तो अगर नहीं मांगा, अभी जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तो एडमिट कार्ड कुछ दिन रुकिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो, अच्छा यहाँ पे वो भी बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है आपका कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ डिले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे कुछ लोग की टाइपिंग अच्छी नहीं होगी तो वो सोच रहे हो सकता है कि डिले हो जाए। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर कोरोना वायरस का अगर मरीज़ जो है अगर 500 के पार या 1,000 के पार पहुंच गया, मतलब अगर 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते, मतलब क्योंकि 4 अप्रैल से आपकी टाइपिंग है तो अभी 2 हफ्ते का टाइपिंग है, 2 हफ्ते का समय बचा है, अगर इतनी स्थिति बुरी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अभी भी देखिए एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स थे वो, जैसे RBI का एग्ज़ाम हुआ या UPPCS के कई एग्ज़ाम थे, तो उन सबके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, बहुत लोग के बोर्ड एग्ज़ाम को रोक दिया गया है,
और कई भर्तियां जो है अलग अलग स्टेट्स में रोकी गई हैं, तो ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं होगी कि नहीं होगा। TCS का ने तो अपना ले लिया था टेंडर वेंडर, तो इसलिए वो CHSL करा रहे हैं, वरना तो अगर पहले कोई, जैसे इससे यही फ़र्क पड़ेगा कि NTPC और जो ग्रुप डी है वो और आगे पहुँच जाएगा, वैसे ही नहीं हो रहा था, वो और आगे निकल जाएगा। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि अगर थोड़ा सा ये अगर और अगर तेज़ी से बढ़ गए, क्योंकि हर एक देखिए कोरोना वायरस का जहाँ जहाँ देश जिस जिस देश में फैल रहा है, तो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में मरीज़ कम हो रहे हैं, लेकिन अचानक चौथे या पाँचवें हफ्ते में बहुत स्पीड से बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा एक तरह से GP की तरह ही बढ़ रहा है, कि जैसे 10 से 100, 100 से 1000 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके को, वैसे भारत में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर बढ़ जाए तो सब कुछ आपको रोकना पड़ेगा, कोई भी प्रोसेस उस वक्त नहीं होगी। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा ना हो तो बढ़िया है, जो चीज़ प्रोसेस जैसे चल रही है वो जल्दी हो जाए। तो अब ज़रा बाकी जो आपके डाउट्स हैं उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि 1750 टाइप करें या पूरा टाइप करें। तो देखिए पहले जब उस वक्त जो आया था, तो मैं आपको एक पॉइंट पढ़वा देता हूँ, वो आप देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा तब कन्फ्यूज़न भी हो। 20th जो पॉइंट है वो पढ़िए आप। लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड मस्ट कंप्लीट द होल पेपर। इसमें ये लिखा था कि आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो लेकिन इन्हें खुद नहीं पता था कि ये हम 1750 की जगह 2025 दे देंगे। ठीक है, तो आप देखिए बहुत से देखिए, जैसे एक SSC बताएं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा चैनल पूरा है, वो भी CHSL पे ही वीडियो बनाते हैं काफ़ी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो उन्होंने बकायदा अपना दिखाया हुआ कि वो भी 2017 वाले थे, तो उन्होंने बकायदा दिखाया कि हम मैंने 1829 1830 मैंने कैरेक्टर्स टाइप किया था, और बकायदा वो पास भी हुए थे। तो इसलिए आप इसमें निश्चिंत रहिए, जबकि 2025 आए थे तब भी, तो आप इसलिए निश्चिंत रहिए कि पूरा टाइप करना है कि नहीं आप टाइप करना है। मैं वही कह रहा हूँ, आप 1750 है, आप 1800 टाइप कर लीजिए, उसके बाद जितनी एरर है आप उस एरर को सही करिए, आप पास 100% हो गए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। सही है, तो इसके इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पूरा टाइप करना है या नहीं टाइप करना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीच में एक लाइन छूट जाए, ठीक है, और मैं आगे की एक्स्ट्रा पूरी कर दूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप देखो बीच की कहीं के भी लाइन छोड़ रहे हो तो वो आपकी एरर में काउंट होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे पैसेज का भी ज़रा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो जिसमें कोई वर्ड्स जो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे जो मैंने आपको जो हम ग्रुप में शेयर हो रहा था PDF मटेरियल, उसमें एक पैसेज है जिसमें मिडिल ईस्ट 2-3 बार यूज़ हुआ है, जैसे एक पैसेज है जिसमें CISF बहुत बार यूज़ हुआ है। तो उसमें क्या है कि आप जैसे मान लीजिए, जैसे मिडिल ईस्ट लिखने गए आपने, मान लीजिए कॉलन लगाना या कोई फुल स्टॉप या कोई कैपिटल लेटर में अगर आपको मान लो देखना पड़ गया, तो वहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन से भी हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, लाइन छोड़ दोगे अगर एक लाइन आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो एक लाइन अगर आप छोड़ोगे तो ज़्यादा ज़्यादा डिपेंड भी करता है कि कितने उसमें, कितनी बड़ी लाइन थी वो और कितने मिस्टेक्स उसमें आपने करे। फिर भी अगर आप मान लीजिए 60 70 80 करेक्टर्स अगर आप गलती कर दे रहे हो, अगर आपने उससे पहले भी गलतियाँ करी हैं, ठीक है, तो अगर वो बढ़ के हो सकता है कि अगर बढ़ के मान लो 7.5% हो गई या 8% हो गई या 7.12% भी हो गई, तो भी आप बाहर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लाइन आप मत छोड़िएगा, आप लास्ट में छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं 1750 के बाद, लेकिन 1750 से पहले अगर आपने एक भी लाइन या एक भी वर्ड छोड़ा तो वो आपकी एरर में काउंट होगी, समझ रहे हैं। तो 1750 के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 1750 आपको पूरी कंप्लीट करना है, उससे पहले आपको अगर कुछ भी छोड़ रहे हैं तो वो पूरा आपको एरर में काउंट होगा। अब जरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप जब टाइपिंग करें तो देखो हमेशा पैसेज देख लेना, हमेशा टैब यूज़ करना पहले, वरना अगर आप टैब की जगह अगर आपने स्पेस दबाया तो फिर वो आपकी 5-6 एरर में ही काउंट हो जाएगी। तो ये गलती मत करिएगा, जब भी पैराग्राफ खत्म हो और सबसे पहले टैब दबाइएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा, और हो सकता है स्टार्टिंग में भी आपको टैब दबाना पड़े, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिएगा, वरना अगर नहीं लिखेंगे ऐसे तो आपको स्टार्टिंग में ही 4-5 मिस्टेक जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट था, उसके बाद हाफ मिस्टेक हो गया, माउस का हो गया, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, और टैब का भी हो ही गया है। ठीक है, DV का भी हो गया आपका, और पोस्टपोन का भी बता दिया, तो बाकी कुछ तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और कुछ जो बचा है तो वो आप, अच्छा एक क्वेश्चन और था कि 1750 टाइप करने के बाद अगर हम एरर करेंगे तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैं वही तो बता रहा हूँ कि इससे पहले जो है केवल अभी 2017 में ही ऐसा हुआ है कि 2025 उन्होंने मतलब की रिप्रेशन दे दिए, मेनली वो दरअसल हो था वो CGL का पूरा मतलब वो पैसेज, और उसको डाल दिया इन लोगों ने CHSL में, जबकि CGL में मान लो आपको आपको 2000 करना है तो यहाँ पे आपने CHSL में ही डाल दिया, मतलब हो सकता है पेपर बचाने के लिए जो भी कुछ जैसा भी करना हो ने,
तो जबकि 1750 ही टाइप करना होता है, तो इसलिए इसमें कोई उसमें वाली बात नहीं कि अगर आपने एक्स्ट्रा एरर किया है तो उसको काउंट करेंगे। इसमें सिंपल सा है, 1750 वर्ड तक आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1750 तक ही सिंपल सा है कि 1750 तक अगर आपने जो भी गलतियाँ करेंगी काउंट उसी में होगा, ठीक है। लेकिन इसको एकदम 100% श्योर कोई भी नहीं कह सकता है कि अगर आपने मान लीजिए 1800 वर्ड करे हैं और उसमें बीच में गलतियाँ करी हैं तो मे बी कि वो उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन एकदम श्योर कोई नहीं कह सकता है। आप 1750 तक तो आप श्योर मानिए कि वहाँ तक आप जो भी करेंगे उसी में काउंट होगा। फिर भी अगर आप वहाँ पे गलती कर रहे हैं तो इसलिए मैं कहूँगा इन गलतियों से बचने के लिए आप ज़्यादा टाइपिंग मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा 1800 ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप जो भी, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये कई ऐसे बता रहा हूँ, मेरे खुद एक मित्र के साथ तो ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर उन्होंने ज़्यादा टाइपिंग करने के चक्कर में स्पीड मतलब 2025 पूरा टाइप करने के चक्कर में बहुत गलतियां करी थी। मतलब हर एक वर्ड के मतलब बाद में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होता है, मतलब एक तो माइंड बहुत डिप्रेशन में हो गया था ना। आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको पहले टेंशन है कि पूरा पूरा टाइप करना है, जबकि मान लीजिए आपकी स्पीड ही है 1750 या 1800 टाइप करने वाली, या अगर आपकी 1900 टाइप करने वाली और आपको पूरा 2050 करना है, तो फिर वहाँ पे आपकी एरर होगी ही होगी। और ऐसे जब प्रेशर जब बढ़ता है तो फिर एरर और बढ़ती हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस जितनी कर रहे हैं आप उतना ही करिएगा। अगर आपकी स्पीड ये है कि अगर आप 8.5 मिनट में या 8 मिनट में अगर पूरी टाइपिंग कर सकते हैं तो आप टाइपिंग करने के बाद एरर सही कर लीजिएगा, फिर बाद में टाइम बचे तो कर लीजिएगा, है नहीं। वैसे कोई उसके पीछे मत पड़िएगा कि मुझे पूरा पूरा टाइप करना ही है, क्या पता हो सकता है कि बाद के जो टाइपिंग करो उसकी भी एरर काउंट हो, तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो एरर जो दे रखी है, इतनी इतनी हमें एरर की छूट दे रखी है, आप बकायदा उसका यूज़ करिए। मतलब अगर आप 10% की छूट दे रखी है तो आप बकायदा 10% का यूज़ करिए, 7% की छूट दे रखी है 7% की यूज़ करिए। मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखिएगा, एरर हो रही है बाद में उसको सही कर लीजिएगा। अगर एरर बच भी जाती हैं तब भी आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से टारगेट बना के चलिए, थोड़ा सा माइंड सेट करके चलिए, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करिए और आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और बाकी कुछ तो इसमें है नहीं, और ये जो PDF है मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं करें वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, जो भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है वो ग्रुप खुल नहीं रहा है, मेरे ख्याल से अब पता नहीं, आज तो टेलीग्राम भी नहीं चल रहा था सुबह सुबह, तो थोड़ा बहुत हो सकता है बाद में ओपन हो जाए। तो बाकी जो डाउट हो आप यहाँ पर पूछ लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।